चैप्टर 11 देख रहे हैं कंस्ट्रक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अपना। जो डायग्राम्स है, जब भी हम किसी चीज को प्रूव करना चाहते हैं, थ्योरम को, या कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपके ये ट्रायंगल बनाया, ऐसे बना दिया। अब ये जो बना हुआ है, वैसे भी मेरी ड्राइंग माशाल्लाह है, लेकिन फिर भी इस डायग्राम से हम एक आइडिया ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर रीजनिंग करनी है तो आपको डायग्राम प्रॉपर बनाने पड़ेंगे विद एक्चुअल मेजरमेंट। जैसे आपने कहा कि मैप, अगर आप बता रहे हैं यहां से यहां 10 किलोमीटर है, तो ये 10 किलोमीटर जैसे मतलब आपने स्केल ली, चाहे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की स्केल ली, तो उस स्केल के हिसाब से आपने बताया कि जो ग्राउंड पे 10 किलोमीटर है वो मैं मैप पे 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर में दिखा रहा हूं। ऐसी कोई आपको टूल बनाना है जहां मिलीमीटर, बहुत सब मिलीमीटर के कंप्यूटेशन होते हैं। ये सारी चीजों में आपको ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ते हैं, और वहां पर बेसिक डायग्राम जैसे बनाते हैं वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स हो, इस ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए, एक ग्रेजुएटेड स्केल हो, इसका मतलब ये होता है कि एक साइड आपके सेंटीमीटर्स में संख्या दी हो, एक में मिलीमीटर्स में दी हो, और या फिर इंचेस में दी हो, इस तरीके से मतलब आप प्रॉपर मेजरमेंट कर सके। जो स्क्वायर्स है, जैसे आप 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, जो बेसिक एंगल है, और साथ में 90, 45, इस तरीके के डिग्री एंगल आप बना सके। डिवाइडर्स होने चाहिए, थोड़ा एडजस्टमेंट उसमें कर सके, और कॉम्पस होना चाहिए जिसमें आप पेंसिल फिट कर सके। उस कॉम्पस अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें क्या होता है, एक साइड आपका ऐसे पॉइंटेड होता है, यहाँ आप पेंसिल फिक्स करते हैं ताकि आप सर्कल वगैरह बना सके या आर्क काट सके। साथ में एक प्रोट्रैक्टर होता है एंगल वगैरह के लिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं, ये सारी चीज जो आपकी होनी चाहिए किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को बनाने के लिए, तो वो ट्रायंगल बना सकते हैं, सर्कल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पॉलीगन हो। तो मेजरमेंट इस पे बहुत प्रिसाइज है, मेन चीज यही है। कंस्ट्रक्शन का मतलब मेजरमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ी सी भी पॉइंट की भी गलती ना बहुत बड़ा आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आज तो नहीं, अभी तो आप सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनेंगे तो आप देखेंगे। तो अनग्रेजुएटेड रूलर, जिसका जहां पर ज्योमेट्रिक फिगर बनाते हैं, तो 2 इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास हो, जैसे अनग्रेजुएटेड रूलर है जिसे हम स्ट्रेट एज या कॉम्पस भी कहते हैं, और कंस्ट्रक्शन में जहां पर मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर ग्रेजुएटेड स्केल या प्रोट्रैक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ आप बेसिक कंस्ट्रक्शन इसमें देखेंगे और कुछ और ट्राइंगल्स वगैरह बनाना सीखेंगे। बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, ऑलरेडी मैं ये मानता हूं कि आपको सर्कल बनाने का आइडिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का आइडिया है, एंगल 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120 डिग्री आपको बनाने का आइडिया है, और बाइसेक्टर उस एंगल का बनाने का आइडिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि थोड़ा सा देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे वैलिड है, और कुछ इसमें से बनाएंगे। शुरुआत करते हैं बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। पहले मैं आपको बता दूं किस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। सर्कल का तो बहुत आसान है, आप यहाँ पर कॉम्पास का पॉइंट रखिए या पेंसिल यहाँ पर उसको क्लिप करिए, और यहाँ करके जितना भी रेडियस आपको लेना है उस रेडियस को लेके इसको तरह के घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, ये सर्कल बन जाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए एक सीधी लकीर खींचनी है, या इस पॉइंट पर रख के आप कोई भी लेंथ लीजिए, थोड़ा आधे से ज्यादा लेंथ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ आर काटिए, यहाँ आर काटिए, फिर वही पॉइंट यहाँ रख के, मतलब जो आपका पॉइंट है या निब है उसको यहाँ रखिए, यहाँ काटिए, यहाँ काटिए, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ऐसे आपको अगर एंगल बनाने हैं तो यूं लीजिए, यहाँ पर अपना छोटा सा एक मतलब कॉम्पस को थोड़ा छोटा करिए, यहाँ पर रखिए और ये घुमा दीजिए, ये पूरा 180 डिग्री होता है ना। अगर आपको इसमें 90 डिग्री निकालना है तो यहाँ रखिए, यूं काटिए, यहाँ रखिए, यूं काटिए, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 का आधा क्या होता है 45, तो यहाँ रखिए, यूं काटिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यूं काटिए, ये 45 हो जाएगा। इस तरीके से एंगल बनते हैं। तो हमको बाइसेक्टर बनाना है किसी एंगल का, हमारे पास एक एंगल ABC दिया है और हम उसको बाइसेक्ट करना चाहते हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जैसे ये है, मान लीजिए ये 60 डिग्री, जब आप बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये जब यहां से यहां तक आप बना देंगे तो ये 30 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री यानी बराबर इसको डिवाइड करना चाहिए दो भाग में। इसका स्टेप्स लिखेंगे, ध्यान रखिएगा जब भी आप बुक में या बुक के हिसाब से या एग्जाम में जब लिखें तो ये जो आपकी लाइनें लिखी हैं ये आपको इसी तरीके से लिखनी है अपने शब्दों में, क्योंकि ये आपको ये बताती है आपको भी कि आपको आता है, साथ में टीचर को भी या जो इन्विजिलेटर है या जो पेपर चेक कर रहा है कि आपने एक एक स्टेप बराबर किया हुआ है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले बी को सेंटर लीजिए, यहाँ पर आपके पास ये एंगल है ना, ये पूरा का पूरा एंगल दिया हुआ ऑलरेडी, तो बी यहाँ पर आपके सेंटर लीजिए, कोई भी रेडियस लीजिए, कोई भी रेडियस लीजिए, छोटा इस हिसाब का लीजिए कि थोड़ा सा पास में आ जाए, और ज़्यादा बड़ा भी ना हो, इतना बड़ा भी ना हो, ऐसा भी ना हो, थोड़ा इस तरीके का यहाँ पर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, यहाँ पर कॉम्पस रखिए, पेंसिल लगा के यूँ आर्क काट लीजिए, यूँ आर्क काट लीजिए, लिया आपने, उसके बाद इसी वही लेंथ लेनी है, चेंज नहीं करनी है। आप कॉम्पस के पॉइंट को यहाँ रखा था आपने और यूँ काटा था, अब यहाँ यहाँ पर रख लीजिए, कॉम्पस के पॉइंट को यहाँ रखेंगे और उसके बाद वही लेंथ से यहाँ काट देंगे, फिर यहाँ रखेंगे ई पे, वही लेंथ से यू काट देंगे, और अब ये जो पॉइंट बना है यहाँ इंटरसेक्शन का, उसको इसे ज्वाइन कर दीजिए, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं बिल्कुल यही किया हुआ है यहाँ पर। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये और ये दोनों आपके बराबर होंगे, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर है। एक और चीज़ इसमें देखिएगा कि ये जो डी और ई आप ले रहे हैं, इसमें रेडियस आधा डी ई से ज़्यादा लीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ नाप लीजिए अगर चाहें तो, इससे थोड़ा सा आधा डी से थोड़ा ऊपर ही रखिए, मोर देन। वैसे इसकी कोई किसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये तो एक बात कही गई है, आप कितना भी लेंगे यहाँ पर भी काटेंगे तो भी आपको ये पॉइंट जो मिलेगा उसको ज्वाइन करेंगे तो एंगल बाइसेक्टर होगा आपका। अब ये तो आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, अब एक काम करें कि इसको बताएं कैसे कि एंगल बाइसेक्टर है, ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा। आपने कहा कि हमने ये तो कर दिया और आपने सिखा भी दिया, हमने सीख भी लिया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, तो एक आपका एक फिगर बन जाएगा, वो आपका पैरेललोग्राम टाइप दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हम ट्राइंगल पे आते हैं। हमने क्या किया, इस डी एफ को ज्वाइन कर लिया, इस ई एफ को ज्वाइन कर लिया, जब हमने ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास ट्राइंगल क्या बने, बी ई एफ, यानी कि ये बी ई एफ और एक ट्राइंगल बना बी डी और एफ, ये बना दो ट्राइंगल, आप देख पा रहे एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल। तो इसमें जो बी ई है ये और ये बराबर है, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया था, यहां यहां पॉइंट रख के यूं काटा था, मतलब ये रेडियस ये रेडियस, ये दोनों साइड इक्वल हो गया। अब आइए ई एफ और डी एफ बराबर है, ये और ये कैसे, क्यों, क्योंकि आपने यहां से रख के काटा था और यहां से रख के यूं काटा था, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि ये जो साइड है ये वाली बीच वाली ये वाली, हाँ ये वाली आपकी कॉमन हो गई, यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं ये कॉमन हो गई, ये आपने एक सिमिलर आर्क करके काटा था और ये आप यहां पर रख के आपने काटा था, यहां यहां रख के ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये साइड हो गया, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है। इसलिए सीपीसीटी से आप कह सकते हैं कि क्योंकि ये एंगल बराबर है, इसका मतलब ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की होती है, तो ये एंगल का है, एंगल का मतलब एंगल बाइसेक्टर है। अब अगला कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको कंसर्ट करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन का, किसी लाइन सेगमेंट का। उसके लिए हमको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ए और बी लीजिए, अब इस ए बी से इस ए बी लेंथ के आधे से थोड़ा ज्यादा लेके, मतलब आप ए बी लेंथ को नाप लीजिए, मान लीजिए ये पांच है, तो 2.5 से ऊपर लीजिए, तीन चार इस तरीके से ले लीजिए, और अब यहां पर अपना पॉइंट रखिए और पेंसिल से यू काटिए, यहां पर रखिए यू काटिए, इस तरीके से यहां पर रखिए यू काटिए, यहां पर रखिए यू काटिए। पहले क्या करना है, यहां पर रखे यू और यू काट लेना है, यहां पर रखे फिर यू और यू काट लेना है, तो दो पॉइंट बन गए, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ये पॉइंट आपका ऐसा होगा जो इस इन दोनों को बराबर विभाजित करेगा, और साथ में ये 90 डिग्री भी होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये आपकी लाइन जो है यहां से पी से लेकर क्यू तक ये आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी इस लाइन की, राइट। अब सवाल उठता है कि चलिए आपने कर तो दिया, हमने सीख भी लिया, लेकिन प्रूव भी तो करना है इसको, मैथमेटिकली प्रूव करिए इसको। देखिए हमने जब यहां पर इस जगह पे रखा और यू काटा पहले और यू काटा, काटा क्या, अभी तो खैर पहली आर्क बनाएंगे, मतलब जब यहां रख के करेंगे तो यू और पहली आर्क बनेगी, फिर यहां रख के फिर यू करेंगे, तो ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ सारी बराबर है, एपी बीपी के बराबर, ए क्यू बीक्यू के बराबर, एपी बीपी के बराबर
और ए क्यू बी क्यू बी क्यू के बराबर है। और ये जो साइड है मैं पी ए क्यू और बी पी पी बी क्यू ट्राइंगल ले रहा हूँ, यानी पी ए और क्यू, ये बाएं हाथ वाला ट्राइंगल और ये दाएं हाथ वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये साइड क्या है पी क्यू, ये वाली यहाँ से अंदर, ये कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो हो गए ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि एक तो चीज ये हो गई कि ये वाला एंगल ए पी एम बी पी एम के बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये हो गया ना, इसके बराबर हो गया। इसी तरीके से ट्राइंगल पी एम ए और पी एम बी में आइए, इसमें और इसमें आइए, हाँ इसमें क्या हुआ, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर हो गया, पी एम और ये पी एम और पी एम दोनों कॉमन हो गए। अब अभी हमने प्रूव किया कि ये एंगल इसके बराबर है, अभी अभी क्या देखिएगा, हमने अभी भी ये दोनों ट्राइंगल लेके, दाएं और बाएं वाले ट्राइंगल लेके हमने कहा ये एंगल इसके बराबर है एपीएम, तो वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ये एंगल इसके बराबर है। अब देखिएगा ये दोनों ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ए एम बी एम के बराबर हुआ और पी एम ए यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर हुआ। लेकिन एक लाइन पे अगर ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या है, दिस प्लस दिस इज वॉट 180 डिग्री, पी एम ए और पी एम बी क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। और हम ये कह रहे हैं ये दोनों बराबर भी है, इसका मतलब हर एक एंगल को 90 डिग्री होना पड़ेगा, इसका मतलब ए एम पी एम ए एम बी एम के बराबर है और ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। जब हम ये कह पा रहे हैं कि इस लाइन में ये एंगल इसके बराबर है और ये इसको डिवाइड भी कर रहा है, ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब पी क्यू पी और क्यू इस ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमको कंस्ट्रक्ट करना है एक एंगल 60 डिग्री किसी इनिशियल पॉइंट आपको दिया हुआ है रे का, तो ये ए बी आपके पास रे है, आपको 60 डिग्री बनाना है। इसमें कैसे बनाएंगे, यहां से शुरुआत करिए, ये आपका ए इनिशियल पॉइंट है, ये ए बी आपका रे है, हमको एक रे कंस्ट्रक्ट करनी है ए सी, ऐसे कुछ तरीके, इस तरीके से कुछ ए सी आना चाहिए कि ये 60 डिग्री बनाए, ये ए सी बनाएंगे तो ये सी, ये सी, ये ए, ये बी, ये 60 डिग्री होना चाहिए। तरीका क्या है इसका, 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री आप समझ जाएंगे कैसे बनाते हैं, हम 60 डिग्री से शुरू करते हैं। तो ए को सेंटर लीजिए, कोई भी रेडियस लीजिए और एक आर्क बनाइए सर्कल की जो ए बी पे इंटरसेक्ट करे, मान लीजिए ए बी पे यहां इंटरसेक्ट करिए। फिर इस डी को सेंटर लेके देखिए, ये जो आपने लेंथ लिया ए से बी को जब काटा वही लेंथ लेना है, वही चीज देखनी है, सेम रेडियस वो यहां पर रखिए। यहां पर आपने क्या किया, ये लिया इसको काटा, अब इस डी को सेंटर लेके सेम रेडियस एक आर्क और लीजिए जो आपने पहले बनाई, मान लीजिए ई पे, मैं यहां दिखाता हूं इस जगह पर, देखिए हमने क्या किया कि हमने एक यहां से यहां तक डिस्टेंस डी लिया, इस डी पे मतलब पहले क्या करिए कि इसी जगह पे एडी डिस्टेंस लिया, यहां आर्क काटा, अब यहां पर पॉइंट रख के ये जो एडी डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस लेके यहां पर आर्क काट देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आपका एंगल जो है ये 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। अब आपका सवाल उठता है कि 60 डिग्री कैसे है, इसको प्रूव भी करिए, इतना आसान कैसे कि एक लाइन यहां बनाई, यहां से आता कुछ रेडियस लिया ये काट दिया और यहां से वही यही डिस्टेंस लेके यहां से यू रख दिया और आपने क्या किया कि भाई ये इस जगह पे इस ये जो आर्क बनाई थी ना आपने, यहां से यहां तक यू आर्क बनाई थी, वही डिस्टेंस यहां लेके यू काट दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, आपने कहा 60 डिग्री कैसे हो गया, ये 60 डिग्री इस तरीके से हो गया। हम इस डी और ई को ज्वाइन कर लेते हैं, अब देखिए कंस्ट्रक्शन से देखिए, हमने ये और ये आर्क बिल्कुल सेम है ना, क्योंकि हमने इस लाइन पे यह इतना लेके यही तो घुमाया था और यहां से ये काट दिया, मतलब तो ये आर्क और ये आर्क बिल्कुल सेम है कंस्ट्रक्शन से, मतलब एडी एई और ईडी बराबर है। जब एक ट्राइंगल के तीन साइड बराबर होते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, हर साइड इसका हर एंगल इसका 60 डिग्री होता है, इसका मतलब ये हमारा एंगल सी ए बी ये भी 60 डिग्री, ये प्रूव हो गया। अब ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कॉन्ग्रुएंसी में हमें एस ए एस साइड एंगल साइड 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 एंगल साइड एंगल और आर एच एस ये है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साथ में कोई साइड, ये दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते थे इस क्राइटेरिया को यूज करके इन सारे। इसका मतलब अगर एक ट्राइंगल यूनिक है, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो साइड एंगल साइड, या तीन साइड गिवन हो साइड साइड साइड,
या दो एंगल और इंक्लूडेड साइड गिवन हो, यानी कि ए ऐसे, या फिर राइट एंगल दिया हो, हाइपोटेन्यूज दिया हो और उसके अलावा हाइपोटेन्यूज उसके अलावा दो जो साइडें बचती है उसमें से कोई भी साइड अगर बराबर है या दी हो तो उसका यूनिक हो जाएगा, आरएचएस हो गए जिसे हम आरएचएस कर रहे हैं। तो यहां पर किस तरीके से इस सिनेरियो को हम यूज करेंगे अपने ट्रायंगल को बनाने में और क्या ये सफिशिएंट कंडीशन होगी, जैसे दो साइड और एक एंगल हो सकता है इंक्लूडेड ना हो, अगर ये आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रायंगल यूनिकली नहीं बना सकते, ये जो सिनेरियो दिए हैं इन्हीं में आप यूनिकली बना पाएंगे। एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका बेस दिया हो, बेस एंगल दिया हो और सम बाकी दो साइड का दिया हो, तो इसमें आप इस ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखिए, इसमें बी और सी दिया हो यानी कि एक साइड दिया बेस दिया हुआ है, एक बेस बी सी दिया हुआ है, एक बेस एंगल दिया हुआ ये वाला मान लीजिए ये दिया हुआ है और सम दिया हुआ है ए बी प्लस ए सी, यानी कि ए बी प्लस ए सी इसका सम दिया हुआ है आपको, और आपको इसको कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बी सी बनाइए, मतलब ये बेस बना दीजिए। अब इस पॉइंट बी पे, इस पॉइंट बी पे एक ऐसा एंगल बनाइए जो आपको एंगल बी दिया हुआ है, मतलब इस तरीके से एंगल बना डालिए, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, ऐसे बना डालिए। अब इस को आगे तक बढ़ा दीजिए और जो आपको दो साइड का सम दिया हो ए बी प्लस ए सी यहां से रखिए, और ये जितना भी हो ए बी प्लस ए सी मतलब एक साइड ये दिया हुआ है यहां से यहां तक, बाकी दो साइड का सम दिया हुआ है तो दो साइड का सम जो है वो यहां से ना यहां तक आप काट दीजिए, यहां तक हो गया आपका। अब इस डी सी को ज्वाइन कर दीजिए, ये डी और सी को ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन कर दीजिए और एक एंगल डी सी वाई, वो एंगल आपको बिल्कुल उस तरीके से बनाना है, यानी कि ये जो डी और सी और वाई ये वाला एंगल बनाना है आपको, ये वाला वो बिल्कुल बराबर होगा जो कि आप बी डी सी के बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल आपको बराबर बनाने हैं, ये बना लेंगे। क्यों कैसे बनाएंगे आप, मैं आपको इसको बताता हूं कैसे आप इक्वल बनाएंगे, क्योंकि जब आपने इसको ज्वाइन कर दिया ना तो ये एंगल आपको पता लग जाएगा, इसको आप कंप्यूट कर सकते हैं और वही एंगल यहां रख के आप एक लाइन इस तरीके से खींच दीजिए। अब ये जो सी वाई है इंटरसेक्ट करने दीजिए इसको कहीं भी ए, इस साइड पे जहां ये इंटरसेक्ट करेगी उसको ए बना लीजिए, ये जो आपका ट्रायंगल बना ना यहां से यहां तक ये यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ये आपको नापना है, यही इसके बराबर देना है। तो अब देखिए ये बना कैसे, इसका कोई भी कोई तरीका तो होना चाहिए, आया कैसे। ये जो बी सी है और ये बी, ये मान लीजिए हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो ए सी और डी ये हमने कंस्ट्रक्शन जब किया ए सी डी में, आपने कहा ये एंगल और एंगल मैंने बराबर बना दिया है कंस्ट्रक्शन से, इसका मतलब है ये साइड इसके बराबर होगा, राइट, यानी ए सी इक्वल टू ए डी है और ए बी क्या है, ए बी क्या है, ये क्या है, पूरा बी डी माइनस ए डी तो है, इस पूरे बी डी में से मैं अगर ये पार्ट हटा दूं तभी तो ए बी आएगा, तो मैं ए बी को बी डी माइनस ए सी लिख सकता हूं, लेकिन अभी अभी मैंने कहा कि ए सी और ए डी तो बराबर है तो ए डी की जगह ए सी डाल दिया जाए तो बी डी माइनस ए सी, लेकिन बी डी माइनस ए सी क्या हो रहा है, जरा ए सी को जल्दी आइए, तो ए बी प्लस ए सी बी डी, यही तो हमने बनाया था, बी डी बराबर क्या हुआ, ए बी प्लस ए सी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये आपका प्रॉपर ट्राइंगल हुआ। थोड़ा एक और अल्टरनेटिव मेथड लेते हैं अगर ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो, पहले तो जो आगे की चीज हमने की है पहले तीसरे वाले में तो हम करेंगे करेंगे, उसके आगे देखिएगा, मतलब ये बी और सी ये लाइन तो बना ही देंगे साथ में ये अपना एंगल बना देंगे। अब ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका हमारा, हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे पी क्यू, इस पी क्यू का, इस पी और क्यू का ऑफ सी डी क्या करेंगे, ये पी क्यू कहां से आया है, हम ये सी डी लेंगे और इसका परपेंडिकुलर यहां से एक लीजिए आर काटिए, यहां से लीजिए एक आर काटिए और इसको इस तरह आगे बढ़ा दीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। इसने क्या किया, ए पे ज्वाइन किया, इस ए सी को ज्वाइन कर लीजिए, जरा एक कंस्ट्रक्शन का तरीका और है, ये जो ए बी सी है वो आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, बस इतना करना है। मैं फिर से बताता हूं आपको, सबसे पहले यू लाइन बनाई, यू खींच दिया, फिर जितना ए बी प्लस मतलब बी सी को छोड़ के जो ए बी प्लस ए सी उतना काट दिया, उसको ज्वाइन कर दिया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो ज्वाइन किया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, वो यहां ज्वाइन कर रहा है, अब ये लाइन को इधर ज्वाइन कर दिया, ये आपका ट्राइंगल होगा ये वाला। तो जो कंस्ट्रक्शन है
तब नहीं हो पाएगा यदि दो साइड आपका सम लेस देन इक्वल टू बीसी हो। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के दो ट्राइंगल के साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होता है, तो ये सिनेरियो फेल कर देगा उस चीज को। तो हमेशा ये कंडीशन होगी तो आपका ट्राइंगल बन नहीं पाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको पहले ही चेक कर लीजिएगा। अब हम आपको ले चलते उस पर कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है ट्राइंगल का, उसका बेस दिया हो, बेस एंगल दिया हो और साथ में डिफरेंस दिया हो बाकी जो दो साइड्स है। कहने का मतलब ये है कि इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ये वाला देखिए मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। इसमें बेस बीसी दिया हुआ है, एक बेस एंगल दिया हुआ है से बी एंगल बी, और डिफरेंस दिया है दो साइड का, ए बी माइनस ए सी बोल दीजिए या ए सी माइनस ए बी बोल दीजिए, ये इधर हो सकता है ये इधर हो सकता है ना, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल ए बी सी, तो दो केसेस बन सकते हैं। क्या बनेंगे मैं फिर से बताना चाहता हूं आपको, ये बी सी बेस दिया हुआ आपको और ये एंगल दिया है आपको बी, ये एंगल दिया हुआ और बाकी जो दो साइड है, जैसे ये ए है तो ये साइड ए बी और ए सी का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। देख दो केस बनेंगे इसमें, देखिएगा मान लीजिए ए बी ए सी से बड़ा है तो ए बी माइनस ए सी मिलेगा, अगर ए सी ए बी से बड़ा है तो ए सी माइनस ए बी मिलेगा। तो पहला केस लेते हैं ए बी ए सी से बड़ा है यानी कि ए बी माइनस ए सी दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे इसको, एक तो बेस तो आपने बना ही लिया, पॉइंट बी पे वो एंगल बना दीजिए जो आपको दिया हुआ है, वो आप आगे बढ़ा देंगे। अब जो बी डी लाइन सेगमेंट है, ए बी माइनस ए सी निकालिए जो भी लेंथ आती है, जैसे ए बी आपका पांच दिया हुआ है और ए सी आपका तीन दिया हुआ है, तो पांच माइनस तीन होगा दो, वो दो यहां पर ले लीजिए, यहां से तक दो बी डी ले लीजिए। उसके बाद इस डी सी को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन किया अभी, अब इस डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए, मतलब यहां पर रखिए यूं काटिए यूं काटिए, यहां पर पॉइंट रखिए यूं काटिए और इसको बढ़ा दीजिए। ये लाइन जहां पर जाके इस लाइन से टकरा रही है, मतलब ये पॉइंट, इसको आप फाइनली ज्वाइन कर लीजिए, मतलब ये और ये आपका फाइनल ट्राइंगल होगा, वो पॉइंट आपका जुड़ेगा, ये आपका ट्राइंगल होगा। अब आपने जो ट्राइंगल लिया है तभी जो आपका बना है वो वही बना है कि नहीं बना है कैसे चेक करेंगे, राइट? हमने प्रॉपर ट्रायंगल लाया कि नहीं लाया, ये बेस बी सी यहां से यहां तक और ये एंगल बी है। अब ये जो ए पॉइंट है ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे है डी सी के, यहां से यहां तक, इसका मतलब ये है कि आपका ए डी और ए सी बराबर है। परपेंडिकुलर बायसेक्टर का मतलब क्या है, ये दोनों साइड इक्वल हुआ, ये तो आपने किया, ये एंगल इसके बराबर हुआ, ये साइड इसके बराबर हुआ। बी डी क्या है, यहां से यहां तक, ये क्या है, बेसिकली बी डी है पूरा ए बी माइनस ए डी, ए पूरे में ए बी में मैं अगर ए डी घटा दूं तब तो ये डी बी आएगा, वही काम किया, बी डी को हमने लिखा ए डी माइनस ए बी माइनस ए डी, लेकिन अभी अभी आपने कह दिया ए डी ए सी बराबर है, ए डी ए सी बराबर है, इसका मतलब ए डी की जगह ए सी रख लीजिए, यानी ए बी माइनस ए सी हो गया। अब ये आपका ट्राइंगल आपने देख लिया, ठीक, ये आपका काम हो गया कि ओके हमने प्रूव कर दिया कि ये काम हो गया। अब अगले में आते हैं, ए बी छोटा है एसी से, यानी कि अब क्योंकि ए बी छोटा है एसी से तो ए बी माइनस एसी नहीं कर सकते, ए बी माइनस एसी करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो ए बी अगर छोटा है एसी से तो ए सी माइनस ए बी करना पड़ेगा, ये दिया हुआ आपको। अब इसका स्टेप देखिए कंस्ट्रक्शन का कैसे करेंगे इसको। पहली चीज तो यही है कि आप सबसे पहले ये जो बी सी है उसको बनाएंगे और ये बी एंगल बनाएंगे और ये इसको बढ़ा देंगे, यहां तक ठीक है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इस बी डी लाइन सेगमेंट इसको यहां तक आगे बढ़ा दीजिए फिर, है ना। अब इस बी डी लाइन सेगमेंट को आप ए सी माइनस ए बी, जो जैसे ए सी आपका छह है ए बी आपका चार है, तो छह माइनस चार करेंगे दो आएगा, ये छह माइनस चार मतलब दो का लेंथ, वो आप लेंगे सेगमेंट बी डी पे काटेंगे, इस जगह पे कहां काटेंगे, बी डी पे, बी एक्स को यहां से यहां तक एक्सटेंड करिए और यहां पर आप काटिए, कितना आ गया, ये दो लेंथ आ गया। अब एक काम करिए इसको ज्वाइन कर दीजिए, अब जो डीसी बना इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर बना लीजिए, मतलब सी पे यहां रखिए काटिए, सी पे यहां रखिए काटिए, डी पे यहां रखिए काटिए, यहां पर रखिए काटिए, दो जो पॉइंट मिले उससे एक लकीर बना दीजिए यहां से आकर, ये लाइन जहां जाके यहां पर इस पे इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर हो रही होगी ना, ये पॉइंट लीजिए, इससे ज्वाइन करिए, इससे ज्वाइन करिए, ये तो ऑलरेडी था ही,
ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया, ये आपका है। आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, उसका पैरामीटर दिया हुआ है, यानी तीनों साइड का जोड़ दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, और जो बेस एंगल्स उसके दिए हुए हैं कैसे बनाएंगे उसको। तो देखिएगा, आपको बेस एंगल दिए मान लीजिए बी और सी, और तीनों साइड का सम दिया हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लंबी सी लाइन सेगमेंट बना लीजिए जिसको हम एक्स वाई कह रहे हैं, उसका सम होगा बी सी प्लस ए सी ए प्लस ए बी, यानी कि तीनों जो साइड दिए उसका सम होगा। अब आपके पास एंगल दिए हुए हैं बी और सी, तो एक बी एंगल यहां बनाइए, मतलब बी वाला एंगल जो होगा ये एल, जो यहां पर एल है, एक्स है, वाई है, तो ये पूरा एंगल आप बी बना दीजिए, ये है बी, ये पूरा एंगल आप बना दीजिए सी, ये बना लेंगे क्योंकि दो एंगल दिए हुए ऑलरेडी आप प्रोटेक्टर्स वगैरह से बना सकते हैं, ये हो गया। अब इस एंगल को लीजिए और इसका एंगल बायसेक्टर कर दीजिए, मतलब यहां से यू काटिए, ये लेंथ लेके यहां काटिए, ये लेंथ लेके यहां काट दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। इसी तरीके से इसका भी एंगल बायसेक्टर कर दीजिए, मतलब यहां से लीजिए यू काटिए, यहां से लेके यू काटिए, यहां से लेके यू काटिए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको आगे बढ़ा दीजिए। ये जो पॉइंट आया ना आपका, ये और ये, यहां तक आ गया आप, अभी पूरा नहीं बनाया, अभी पूरा नहीं बनाया। आप क्या करेंगे, एक्स और ए को लीजिए, ये लाइन बना दी ना आपने, इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर लीजिए, ये काटिए, ये काटिए, यहां से रखिए, ये काटिए, ये काटिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। इस तरीके से यहां पर लीजिए ए और वाई को, ए से यू रखिए, काटिए, ए से यहां काटिए, वाई से रखिए, यहां काटिए, यहां काटिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। अब इस लाइन को देखिए क्या क्या बना, आपको कौन सा पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, ये जो ट्रायंगल बना लास्ट में, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल है आपका। अब आपका सवाल यही होगा कि आपने बना तो दिया, बहुत सारी एंगल बायसेक्टर भी बना दिया, परपेंडिकुलर बायसेक्टर भी बना दिया, लेकिन ये कैसे तय करेंगे कि ये वाकई में सही है। देखिएगा, इस ट्रायंगल एबीसी में आप देखिए कि जो बी है ये कहां पर आ रहा है, ये बी है परपेंडिकुलर बायसेक्टर पीक्यू का, इस P और Q जो PQ परपेंडिकुलर बायसेक्टर है उसी पे तो आ रहा है ना, इस A X के परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे B आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स बी है ये और ए बी ये बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। इसी तरीके से आपका जो सी वाई है और आपका ए सी है ये बराबर है ना। मैं ये वाला दोबारा बताता हूं, ये नहीं, ये वाली लाइन नहीं, इसमें x, b और ab ये इसके बराबर है क्योंकि परपेंडिकुलर बाय सेक्टर, ये दोनों साइड इक्वल हुए, बाकी आप जानते हैं कैसे प्रूव करना है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये पूरा का पूरा क्या है, जरा इस ab की जगह xb रख दीजिए और इस ac की जगह cy रख दीजिए, तो bc प्लस xb प्लस cy क्या हुआ, x बार, कैपिटल x बार, वही तो हमने एक लाइन बनाई थी स्टार्टिंग में और सम भी बना दिया। इसी तरीके से जो बी ए एक्स है, मतलब ये वाला जो एंगल है बी ए एक्स, ये वाला एंगल, ये छोटा एंगल जो है, और ए एक्स बी, ये हो गया एक्स, ये हो गया और बी हो गया, ये दोनों एंगल, अभी अभी हमने देखा कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। इसी तरीके से जो ए बी सी एंगल है, ये वाला ए बी और सी, ये क्या एंगल होता है, ये एंगल होता है क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है, ये एंगल होगा इसके और इसके सम के बराबर, इंटीरियर अपोजिट के बराबर, मतलब बी एक्स प्लस ए एक्स बी, आप कह रहे हैं ये दोनों बराबर है तो ट्वाइस कर दीजिए, और ट्वाइस ए एक्स बी का मतलब क्या होता है, ए एक्स बी, अगर आप कहें कि इसका ट्वाइस का मतलब ये हो गया कि मैं एल एक्स वाई की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये वाली की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, ये एंगल परपेंडिकुलर बायसेक्टर था ना, ये बराबर मैं कह रहा हूँ ये, तो ये और ये दोनों बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये है कि ए बी सी और एल एक्स वाई बराबर है, ये एंगल ए बी सी और एल एक्स वाई बराबर है, यही तो बी है, और ये हमने शुरुआत बी यहां से की थी, यही हम लेंगे तो ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल हमारे, ये एंगल भी हो गए और ये तीनों साइड का सम भी बराबर हो गया जो हमने शुरुआत की थी, तो ये ट्रायंगल हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल आपको बनाना है एबीसी जिसमें बी 60 डिग्री है, सी 45 डिग्री है, और तीन एंगल, तीन का ये सम दिया हुआ है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले एक लाइन बना दीजिए जो तीनों का सम के बराबर हो, मतलब पी और क्यू लीजिए और तीनों जो है यहां से यहां तक जोड़ दीजिए, मतलब यहां से यहां तक 11 लेंथ होनी चाहिए,
उसके बाद इस पी पे पॉइंट पे आइए, 60 डिग्री बना दीजिए। 60 डिग्री बनाने का तरीका ये होता है कि आप यू आर्क लीजिए, एक कोई भी लेंथ की आर्क यूं लीजिए और वही यहां पर रख के पॉइंट इधर काट दीजिए और ये बना दीजिए, 60 डिग्री हो गया। और 45 डिग्री क्या होता है? 45 डिग्री का मतलब ये है कि आप 90, इसका तरीका 90, ये 45 भी बता देता हूं मैं आपको, अगर इस पॉइंट पे बनाना है यूं लीजिए, यहां पर पॉइंट रखिए, यू आर्क एक पूरा बना दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, यहां पर लीजिए वो आर्क लीजिए, उसी लेंथ से काटिए, यहां पर रखिए यूं काटिए, ठीक, यहां से यहां तक जो मतलब इधर पे, और इन दोनों को फिर लेके यूं और यूं काटिए, ये 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री का आधा क्या होता है? 45 डिग्री। तो यहां पर रखे यूं काट दीजिए, यहां पर रखे यूं काट दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60-45 बना देंगे आप, ये हमने 45 बना हुआ है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमने 60 डिग्री बनाया हुआ है, राइट। अब अगला क्या करेंगे आप, अभी अभी आप सीख चुके कि जब हम इसको एंगल बाइसेक्टर को बढ़ाएंगे तो ये आई ए पे लगेगा, ये जाके फिर यहां पर एक लगेगा। अब ये दोनों जो पॉइंट है ए क्यू, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लीजिए, ये जो पी और ए है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लीजिए, ये बी पे टकराएगा, ये सी पे टकराएगा, आपका ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, बस इतना बनाना आपको। हाँ समझ गए, इस तरीके से बनेगा। समराइज करते हैं कि रूलर और कॉम्पस अगर आपके पास है तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप बाइसेक्ट कर सकते हैं एक एंगल को, यानी कि अगर इस तरीके से एंगल एंगल तो इसको बराबर भाग में डिवाइड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं, यहां से यू काटिए, यहां से यू काटिए, यहां से यू काटिए, यहां से यू काटिए, सबके लिए सबका आर्क सेम लेंथ होनी चाहिए, यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री सब बना सकते हैं आप। एक ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं जिसकी बेस दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है, सम दिया हुआ है दो साइड का, ऐसी एक ट्रायंगल बना सकते हैं जिसका बेस, बेस एंगल और डिफरेंस दिया हुआ है दो साइड का, ऐसी ट्रायंगल बना सकते हैं जिसके पैरामीटर तीनों साइड का जोड़ दिया हुआ है और दो बेस एंगल दिए हुए आपको, वो बना सकते हैं। तो ये बात हुई आपके कंस्ट्रक्शंस की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी हम सभी की।